अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाऊंगी सादी और सिंपल खिचड़ी, और खिचड़ी के साथ मैं आपको बनाना दिखाऊंगी कैप्सिकम फ्राई। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है खिचड़ी के साथ, आप खा के देखिए एक बार। तो मैं पहले एकदम झटपट खिचड़ी बनाने का तरीका आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने कुकर लिया है, कुकर में पहले मैं 1.5 चम्मच तेल डाल रही हूँ। जैसे तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी एक प्याज, ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको ऐसे लंबे लंबे में काट लेंगे हम लोग। काट के मैं प्याज को डाल दूँगी और प्याज को थोड़ी देर तेल में भून लेंगे। प्याज का जब थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके थोड़ी देर अदरक लहसुन को भी तेल में भूनने के बाद इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने 2 टमाटर लिया है, 1 प्याज और 2 टमाटर, साथ में थोड़ी हरी मिर्ची भी डाल लेंगे प्याज में। ये देखिए, ये 2 मीडियम साइज़ के 2 टमाटर है। अगर आपके पास बड़े साइज़ के है तो आप 1 टमाटर भी डाल सकते हैं। बस अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर टमाटर को पकने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल के टमाटर को अच्छी तरीके से नरम होने के लिए थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से हम पकने के लिए देंगे। ये बहुत जल्दी हो जाता है खिचड़ी, एकदम झटपट। और इसके साथ जो मैं कैप्सिकम फ्राई कर रही हूँ, ये खिचड़ी के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, सब बच्चे भी खा लेते हैं इसको। कैप्सिकम अगर हम इस तरीके से, जैसा मैं आपको दिखाऊंगी, आप एक बार उस तरीके से बना के देखिए। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी। मैं इसमें सिर्फ हल्दी डालूंगी, इसमें रेड चिल्ली पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी, बस सिर्फ हल्दी डालूंगी। इसको मिक्स करके बस थोड़ी देर हल्दी डालने के बाद और थोड़ी देर इसको भून लेंगे। और मैं ये खिचड़ी में मसूर की दाल डाल के बना रही हूँ। अगर आप लोग चाहे तो आप लोग इसमें मूंग की दाल भी डाल सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल की खिचड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसमें मसूर का दाल डाल के बनाऊंगी। अभी मैं इसमें डालूंगी 3 गिलास पानी। पानी 3 गिलास इसलिए क्योंकि मेरे पास, मैं 1 गिलास चावल और 1/2 गिलास दाल है, तो दोनों मिला के 1.5 गिलास के हिसाब से मैं इसमें 3 गिलास पानी डाल रही हूँ। ये देखिए, ये मसूर की दाल 1/2 गिलास है, और चावल जो हम लोग घर में कोई भी चावल जो पकाते हैं वो 1 गिलास, तो 1.5 गिलास के हिसाब से मैं इसमें 3 गिलास पानी डालूंगी। अगर आप लोग 1 गिलास चावल डाल रहे हैं तो 2 गिलास पानी, ये अंदाज रख लीजिए। पानी जब उबल जाएगा तो मैं इसमें नमक डाल दूंगी और साथ में चावल भी। नमक आप अपने अंदाज के हिसाब से डालिए। आप इस पॉइंट पे भी अगर नमक डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब मैं कुकर को बंद करके 2 या 3 सीटी मार लूँगी। अगर आपको चावल थोड़े नरम चाहिए तो 3 या 4 सीटी आप लगा लो, या अगर आपको थोड़े कड़क चावल चाहिए तो आप 1 सीटी में इसको बंद कर सकते हैं। और ये कैप्सिकम है, इसको मैंने धो के, पहले धो लेंगे, काटने के बाद नहीं धोएंगे, पहले इसको अच्छी तरीके से धो के इसके अंदर का बीज वगैरह जो भी है निकाल देंगे। उसके बाद इस तरीके से लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे हम लोग, एकदम ज़्यादा बारीक भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं। 2 कैप्सिकम है ये, ये देखिए, ये लंबे लंबे टुकड़े से लंबे लंबे में काट के, ये देखो मैं अभी दिखा रही हूँ काटने के बाद, इस तरीके से
पूरे शिमला मिर्च को काट के रख लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये छोटे स्पून से एक स्पून भर के आप समझ लीजिए अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये है कॉर्नफ्लावर, ये 3 स्पून कॉर्नफ्लावर है, और ये 2 स्पून चिकन मसाला, हल्दी, मिर्ची और नमक। हल्दी आधी चम्मच है, मिर्ची भी आधी चम्मच है, और नमक टेस्ट के हिसाब से। ये जो चिकन मसाला है ये आप कोई भी रेडीमेड ले लीजिए जो आपके यहाँ मिलता है। चिकन मसाला फ्राई करने का जो रहता है, चिकन 65 का मसाला वो, या फिश फ्राई का जो भी है मसाला, वो आप लेके इसमें मसाला फ्राई करने वाला जो मसाला होता है वो लेके डाल लेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के टाइम पे बस इसमें ज़्यादा पानी, बिल्कुल पानी नहीं, एकदम थोड़ा, जैसे छोटे स्पून से एकदम थोड़ा जितना पानी डाल देंगे मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद। फिर मैं ये देखो तेल गर्म हो गया था, तो तेल में कैप्सिकम उठा के डाल रहे थे, एक एक इस तरीके से हाथ से उठा के आप डालिए। डाल के अब हम इसको तल लेंगे, ज़्यादा धीमे आंच पे नहीं, शिमला मिर्ची है ना बहुत जल्दी फ्राई हो जाता, तो आप गैस फास्ट रख के भी तलना चाहे तो तल सकते हैं। बस इसको बार बार पलटाते रहेंगे। इसको पलटा पलटा के तल लेंगे। ये देखिए थोड़ी देर के बाद ये इस तरीके से कलर आ गया था इसमें, तो मैं इसको ऐसी पलटा पलटा के इसको तेल में तल रही थी। ये कभी भी आपको जब भी खाना हो तब उस वक्त आप इसको गरम फ्राई करके खाइए, तो ये गरम में ही अच्छा लगता। ठंडा होने के बाद ये ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है शिमला मिर्ची, इसके लिए गरम में एकदम ये क्रिस्पी। ये देखिए ये तल के हो गया था एकदम गरम गरम, तो मैं इसको निकाल ली थी। तो आप लोग भी ये बनाइए, ट्राई कीजिए और खिचड़ी के साथ खाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पकाइए, खाइए, खिलाइए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।